हेलो एवरीवन, दिख नहीं रहा। मैंने पूरा टेबल पे फैला लिया है, यही मेरे पास स्टॉक एट प्रेजेंट बचा है। वाइट का डब्बा देखो पूरा खाली हो गया है। अरे पूरा डब्बा मैं क्लीन कर लूँगी आज, क्योंकि ज़्यादा स्टॉक नहीं है। मैं इसको कपड़े से क्लीन कर लूँगी और वापस से तब स्टॉक सेट करूँगी वाइट का। और वाइट का मेरे पास में इतना ही स्टॉक पड़ा है, ना कहीं ड्राई है, ना कहीं वेट है, ना कहीं क्लीनिंग के लिए रखा है। थोड़ा बहुत ब्रोकन, जैसे मतलब मैंने निकाला था ना, वो वेट किया था, वो रखा है, लेकिन वो वाइट नहीं है, वो मल्टी कलर है। पूरा डब्बा क्लीन हो गया। इसमें ना टाइनी नीचे पहुंच जाते हैं और बड़े बड़े ऊपर रह जाते हैं, जिस वजह से टाइनी आइटम में से पाउडर निकलता है, टूट भी जाते हैं कई बार। तो अब करूँगी मैं इनकी रीअरेंजमेंट। बड़ा बड़ा स्टॉक पहले मैं साइड में रखूँगी। ये न्यू शेप आइटम है, देखो कितना थिक है। ट्राइंगल्स अलग, ये लॉन्ग बार है, नीचे से निकली, टूटी हुई है। लेकिन आई विश आपको प्रॉपर दिख रहा हो, कैमरा तो मैंने बहुत दूर रखा है इसी बात की वजह से। ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल नहीं है, ये अनशेप्ड है, लेकिन ट्राइंगल की शेप में है ना, इसलिए मैं इसको ट्राइंगल में रख देती हूँ। ये भी अनशेप्ड है, बट ट्राइंगल ही बोला जाएगा, ये अनशेप्ड। टाइनी किटकैट न्यू शेप, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पास वाइट का कितना कम स्टॉक है, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है। लेकिन मैं मंगवाऊंगी नहीं, बहुत खाने लगी हूँ वाइट आजकल, बहुत ज्यादा। अभी भी स्टॉक रीअरेंज करते करते मन कर रहा है थोड़ा सा माउथ में खा लूँ। ये बाहर के चिप्स हैं, ऊपर वाला ही ओरिजिनल है, जो नीचे गिरे गिरे जा रहे हैं ना बार बार, वही वाला ओरिजिनल चिप्स है। ये लॉन्ग चिप्स, ब्रोकन ब्रोकन अलग निकाल लेती हूँ। ये ब्रोकन, आई विश आपको प्रॉपर दिख रहा हो, इसीलिए मैंने कैमरा इतनी दूर रखा है। ये टाइनी बार का चिप्स है, ये ब्रोकन, इसमें से क्यूब अलग कर लूँ मैं, क्यूब अलग कर लो, ट्रायंगल अलग कर लो। ये इधर मैं ब्रोकन डाल रही हूँ जो टूट गया है। बस बस इतना सा स्टॉक है मेरे पास में वाइट का। अरे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा जिस हिसाब से मुझे क्रेविंग हो रही है। चलिए डब्बे में लगाते हैं। पहले किटकैट एक ही है मेरे पास में, ख़त्म हो गई। मैं तो सोची थी तीन चार होंगी, मैंने खा ली ना इसलिए ख़त्म हो गई। अभी मैंने परसों ही खाई है, मैं भूल भी तो जाती हूँ। अच्छे से सेट कर दूँ वरना इनके नीचे टाइनी दबके ना टूट जाते हैं। आप लोगों को सेट करने के बाद दिखाऊंगी मैं भी। एक बार पहले मैं सेटिंग करती हूँ इसकी। दिख तो
तो रहा होगा वैसे आपको थोड़ा थोड़ा। यम्मी ट्राइंगल्स, ये देखिए दिखे ना डब्बे के अंदर। अब हम लगाएंगे अपने चिप्स। ट्राइंगल्स के बीच में नहीं आएंगे, आ गए ट्राइंगल्स के बीच में आ गए चिप्स। ये देखिए दिख गए डब्बे के अंदर, शायद दिख जाए आपको। मैं अभी दिखाती हूँ कैमरा उठा के। ये देखिए सेटअप कैसे करती हूँ मैं, दोनों तरफ ट्राइंगल और बीच में चिप्स, ताकि अगर डब्बा उठाना भी पड़े तो कोई परेशानी ना हो। मेरे पास स्टॉक कम हो चाहे ज़्यादा हो, मैं रीअरेंजमेंट ऐसे ही करती हूँ। 1 2 ये गई टाइनी किटकैट बड़ी किटकैट के ऊपर, ये भी ट्राइंगल के साथ में ही रखूँगी मैं। ये हमारे टाइनी चिप्स, ये ट्राइंगल के ऊपर नहीं रख रही मैं, साइड में रख देती हूँ। हाँ इसीलिए साइड में रख देती हूँ क्योंकि ये गिरेंगे, छोटे हैं बहुत। और लॉन्ग बार भी मुझे नीचे ही रखनी होगी। ब्रुकन है, कैसे रखी गई है ना आड़ी टेढ़ी, सेट नहीं हुई अच्छे से, सेट हो जाती नहीं हो रही। अब मैं फिर जब सेट नहीं हो रही तो नीचे मैं टाइनी ट्राइंगल डाल रही हूँ इसके यहाँ पे, इस तरफ में। कितना होगा ये स्टोर, लगभग अराउंड 3 to 5 kg, ना ना 4 to 5 kg, 3 kg तो मैंने गलत बोल दिया। अनशिफ्ट बार, अब मैं रखूंगी अपने न्यू शेप आइटम। मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा दिख रहा है, मैं हाथ में कैमरा ले रही हूँ। ये टाइनी ट्राइंगल, ओ टाइनी क्यूब, 5-6 क्यूब है बस मेरे पास, नहीं है ना बड़े ना छोटे कैसे भी नहीं। और ये हमारा आ गए टाइनी, ओह सेलिस्टोन, ये ब्रोकन निकला है, मैं ब्रोकन के बॉक्स में पहुंचा दूंगी, इसमें नहीं रखूंगी। सो डन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। मेरा खजाना आप लोगों ने देख लिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।